हेलो एवरीवन, मैं जनीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी दिल्ली के अंदर कट ऑफ जो है वो क्या रहती है, रैंक और मार्क्स का जो रेशियो है वो कितना रहता है। क्योंकि जब बच्चे का टारगेट होता है कि किस आईआईटी के अंदर मेरे को एडमिशन लेना है, किस ब्रांच के अंदर, तो सबसे पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चा अपना टारगेट फिक्स कर सके। किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं लेकिन मेरे को इसके अंदर जाना है, आईआईटी दिल्ली के अंदर जाना है, आईआईटी बॉम्बे में जाना है, आईआईटी खड़गपुर में, जहां पर भी जाना हो, तो उसके बारे में अगर अच्छे से पता है कि आपको एडमिशन कितने रैंक में कितने मार्क्स में मिलेगा, तो यार इस चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आपके पास अलग अलग ब्रांच के अंदर हर साल कितनी रैंक रहती है 2023, 2022 और 2021 के अंदर रैंक कितनी चाहिए थी, क्लोजिंग जो रैंक है वो क्या रही थी, उसके साथ साथ जो मार्क्स है 360 में से। क्योंकि देखो यार, जेई एडवांस का पैटर्न तो हर साल चेंज हो जाता है, नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो लेकिन 2021 2022 360 में से ही है, ठीक है, सेम नंबर का पेपर रहा था। अब इसके अंदर आप सबसे पहले अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जो रैंक है वो 118 पे क्लोजिंग थी 2023 में। अगर बात करते हैं 2022 में तो 102 पे क्लोजिंग हुई थी। अगर बात करते हैं 2021 में 100 पे क्लोजिंग थी। तो ये एक एवरेज का आप एक आंकड़ा देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर मार्क्स की बात करूं 2022 में 236 नंबर जिस बच्चे के आए थे। अगर बात करते हैं कि आपके पास 2021 में यही नंबर 284, तो देखो यार डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि कई बार पेपर पर भी डिपेंड करता है, कई बार पेपर थोड़ा आसान बन जाता है, कहने का मतलब इतना आसान नहीं लेकिन हर साल के मुकाबले आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आपके पास देख सकते हो। दूसरी बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की। अगर बात करते हैं तो 352 रैंक 2023 में क्लोजिंग पे रही थी। अगर बात करते हैं 2022 में 308 और 2021 में 315। अगर नंबर की बात करते हैं तो 210 नंबर आपको 2022 में और 2021 के अंदर 253। तो कहीं ना कहीं 2021 में ज्यादा नंबरों की यहाँ पे जरूरत पड़ी थी, ठीक है, तब जाके यहाँ पे ये ब्रांचेज आपको अलग अलग मिली थी आईआईटी दिल्ली के अंदर। अब अगर दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 582 582 रैंक 2023। अगर 2022 में बात करता हूँ 574 574। अगर आपकी बात करते हैं 2021 में तो 553 के अंदर मिली थी। नंबर की अगर बात करते हैं तो 188 2022 में और 2021 में 234 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन की। अगर बात करते हैं तो रैंक 2023 के अंदर जो क्लोजिंग 828 पे, 2022 के अंदर 797 पे, 797 पे और 2021 में 841 841 पे नंबर आप देख सकते हो। 177 यहां पे जरूर थी और 218 2021 के अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 1255 रैंक 2023 के अंदर क्लोजिंग रही थी। 2022 की देख सकते हो 1314 और अगर 2021 में 1258 मार्क्स आप देख सकते हो 161 जो कि 2022 में और 2021 के अंदर 204 पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो 1791 में, 2022 में 1800 के अप्रोक्सीमेट चली थी और 2021 में 1700 के अप्रोक्सीमेट, मतलब एक एवरेज चला, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। नंबर की अगर बात करते हैं तो 147 और 191 की जरूरत पड़ी थी अलग अलग साल। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो 2300 के अप्रोक्सीमेट 2023 और 2300 के अप्रोक्सीमेट ही 2022 में और 2300 के अप्रोक्सीमेट ही 2021 में। नंबर आपके सामने है 141 2022 में और 180 2021 के अंदर। उसके बाद ब्रांच आती है इंजीनियरिंग फिजिक्स
2700 के लगभग आपको 2023 में गई थी, 2783-2800 के आसपास जा बैठी है, 2925 के लगभग आपके पास 2022 में, और 2352 जो है वो रही थी 2021 में। नंबर अगर देखोगे तो 132 और 179, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एनर्जी इंजीनियरिंग, 2900 के लगभग ये रही थी, 2023 के अंदर रही थी एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर। अगर बात करते हैं 2022 में 2800 के अप्रोक्सीमेट रही थी, अगर बात करते हैं 2021 में 3000 के अप्रोक्सीमेट रही थी। अगर नंबर की बात करते हैं 2022 में 134 और बात करते हैं 2021 में तो 166। अब उसके बाद बात आती है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, 3200 के लगभग मान के चलो 2023 में 3300 के आसपास ही जा बैठा है, 2023 में गई थी 3500 के लगभग 2022 में। अगर बात करते हैं 3346 2021 में, नंबर आप देख सकते हो 125 और 162, 125 जो कि 2022 के अंदर, 2021 में आपको चाहिए थे 162 नंबर, ठीक है। उसके बाद आती है मेटेरियल इंजीनियरिंग, 4000 के अप्रोक्सीमेट आपको चाहिए थी 2023 में। अगर बात करते हैं 2022 में 4200 समथिंग थी भी, अगर बात करते हैं 2021 में भी 4200 समथिंग, तो कोई ज़्यादा देखो रैंक का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन नंबर कई बार ऊपर नीचे होते हैं पेपर के लेवल के हिसाब से। 120 नंबर चाहिए थे 2022 में और 2021 में 154, 154 नंबर। अब आपके पास आती है सिविल इंजीनियरिंग, 4472, कहने का मतलब 4400 के अप्रोक्सीमेट रही थी आपकी 2023 में, 4300 के अप्रोक्सीमेट रही थी 2022 में, अगर 3800 के अप्रोक्सीमेट रही थी 2021 में। नंबर की अगर बात करते हो तो कोई इन दोनों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा था, ठीक है। 120 नंबर 2022 में चाहिए थे बच्चे को और 2021 में 158। तो अब आपको इस चीज़ का पता हो जाएगा कि जेई एडवांस में आईआईटी दिल्ली के लिए, जो आपका आईआईटी दिल्ली है, जेई एडवांस में आपको कितने नंबर ले आने पड़ेंगे, आप हर ब्रांच वाइज देख सकते हो, और आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है, क्या क्या कमी आप में आ रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टारगेट आपको करना है ताकि आपको एक अच्छी आईआईटी मिल सके, आपका जो सपना है वो साकार हो सके। तो इसी तरीके से वन बाई वन सभी आईआईटी की जो भी एक एवरेज अप्रोक्सीमेट डाटा रहता है हर साल का, वो आपके सामने वन बाई वन आता रहेगा। तो सारी की सारी चीज़ों पे पूरा फोकस करना है, आपका टारगेट क्या है उसी तरीके से आपको चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।